और मैंने ये इसलिए ओढ़ रखा है क्योंकि मैं धूप से बच रही हूँ। आजकल मेरा फेस मास्क चल रहा है बेसन हल्दी का। और अभी हम दक्षा, मैं ब्रश करूंगी तो दक्षा अपना टूथब्रश नहीं लाई तो दक्षा को देसी स्टाइल में गिव मी योर फिंगर डू इट। दिस इज माई मॉर्निंग सैलेड, टमेटोज विथ लिटिल सॉल्ट। और ये है होम ग्रोन टमेटोज जो हमारे घर में ही लगे हुए हैं, थोड़े से पके हुए हैं लेकिन क्या मस्त टेस्ट है इनका। Hey, good morning guys, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज भी ब्लॉग बाहर से चालू हुआ है, पता नहीं क्यों। मैं घर में था, मैंने मतलब छोटा मोटा जो भी होता है रेगुलर वो सारा काम निपटाया घर का, और मुझे फिर भी याद नहीं आया कि मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना। और बाहर जाते सीढ़ियाँ उतरते मुझे याद आ गया कि भाई ब्लॉग नहीं किया आज तो। अभी मैं मार्केट से आ रहा हूँ और चीनी खत्म है, मुझे पता नहीं था, और कल भी चाय मैंने ही बनाई थी, वैसे थोड़ी अभी भी बच गई है, कल काम आ जाएगी या शाम को, क्योंकि हम दोनों को बच्चा समझा जाता है इसलिए हमें बच्चे जैसे काम दिए जाते हैं ना। अभी हमें ये सर्फ डालना है इसके अंदर। चलो दक्षा, प्रोसेस शुरू किया जाए। अपने नुकीले दांतों से इसको काट डालो। काटो काटो काटो। मैं काटू क्या? ए ब्लू कलर का सर, ब्लू ही होता है ये, मैंने तो वाइट कलर का देखा है। शाबाश, अब ये पीछे वाले बाथरूम में जाएगा, बड़ा डब्बा है उसमें, उसमें डाल के आएंगे। चलो अब बचा हुआ जाएगा इस डब्बे में। और ये जो सर्फ का डब्बा है ना, ये मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, जब से मैंने होश संभाला हमारे घर में ये सर्फ का डब्बा रहता है। अभी दिन के 11 बज रहे हैं और एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा बोर फील कर रहा हूँ जितना मैंने अभी तक नहीं किया था। पिछले 2 दिन मेरे काफ़ी सही निकल गए, मेरे को अकेलापन फील नहीं हुआ क्योंकि मैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर ही रहा था, मतलब मूवीज़ देख रहा था, मेरे को मज़ा आ रहा था अकेले रहने में। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि यार अकेलापन इज़ नॉट गुड। जो लोग क्वारंटाइन में या फिर आइसोलेट अकेले रहे होंगे जब कोरोना वायरस चल रहा था पैंडेमिक में, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। वो लोग बहुत खुशनसीब थे जब वो फैमिली के साथ थे, घर में लॉक थे, पता नहीं क्यों लड़ रहे थे, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा लड़ते थे, पता नहीं क्यों लड़ते थे। पर अब भी मुझे लग रहा है कि अगर अंकिता यहाँ होती तो बहुत अच्छा होता, कुछ है नहीं करने को। तो मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ चीज़ें ट्राई करता हूँ, एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कुछ स्टार्ट करने का, मैं सोच रहा हूँ उस पर काम करूँ, लेकिन बस वही है ना, आज और कल की छुट्टी है, उसके बाद वापस क्या करूँगा। तो ये सोच के मैं स्टार्ट करना भी नहीं चाह रहा क्योंकि मुझे बीच में रुकना पसंद नहीं है। एक्चुअली पास्ट में मेरे 2 प्रोजेक्ट्स फेल हो चुके हैं जिनमें मैंने टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट किया था काफ़ी, तो अभी मैं वैसा नहीं चाहता। और अभी जॉब वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा है तो टाइम भी नहीं मिलेगा इतना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि संडे को टारगेट करके मैं अपना काम कर सकूँ। ऐसा कोई प्लान बनाते हैं आज और फिर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। पिछले 2-4 दिनों से ये मनी प्लांट अंदर ही पड़ा था, इसको रोशनी नहीं मिल रही थी प्रॉपर, मुझे याद भी नहीं है, आज मुझे याद आया तो इसका थोड़ा इंतजाम करता हूँ, यहाँ इसको लगा देता हूँ, यहाँ धूप भी कम आती है, ठीक रहे। ब्लॉगिंग के लिए ज़रूरी भी है और मैं ये चाहता भी नहीं हूँ कि अंकिता ये वाला पार्ट देखे क्योंकि उसने मुझे कहा था पौधों को रोज पानी देना, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता है, ये मेरा परफेक्ट बहाना है, मुझे याद भी नहीं आता। अब आज हम भिगोएंगे मेहंदी बालों में लगाने के लिए, मुझे भिगोनी है, मुझे मेरी और सिस्टर के लिए। मेहंदी भिगोने के लिए मैंने गर्म किया चाय पत्ती का पानी, उसको छान के, उससे भिगोने से बाल अच्छे होते हैं, झड़ना कम होते हैं, ये एक मैं रेमेडी बता रही हूँ। दिस मेहंदी इज माई फेवरेट, आई एम नॉट डूइंग ब्रांडिंग, गोदरेज नुपुर हिना, प्योर हिना, इससे बहुत अच्छा कलर भी आता है, बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। ये है हमारे चाय पत्ती का पानी छना हुआ, इसमें हम इसमें डाल दिया था मम्मी ने, वो निकाल के पानी तो मैंने इसमें डाल दिया वापस, इसमें भिगोएंगे हम ये वाली मेहंदी। चले गए ये चम्मच मेरे लिए, थैंक यू दक्षा। इसको लग रहा है ये है हलवा जबकि मेहंदी है। अभी बच्चों चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, कबूतर उड़, कौवा उड़, कागला उड़, मोर उड़, मैना उड़, चिड़िया उड़, भैंस उड़।
तो मम्मी की दीदी ने बनाई है मैगी दक्षा के लिए। कैसी लग रही दक्षा? यम यम्मी। तो इस मेहंदी को दो घंटे से ऊपर टाइम हो गया है, बस मैं 10-15 मिनट में इसको धुल लूंगी और इसका कलर आ जाएगा। साथ ही में मैं कर रही हूँ अपने लहंगे की सिलाई का काम। शक्ल का देखो ही मत, हाल बेहाल है अभी। अभी बज चुके हैं शाम के 5 और मैं जाके फटाफट खाने का सामान ले आता हूँ। कल का कोई श्योरिटी नहीं है, कल मार्केट बंद हो सकता है। मतलब कल का सीन ऐसा है कि अगर कोई भी सीन हो लेकिन मेरा बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं आऊँगा तब तक तो मार्केट बंद हो ही जाएगा ऑफिस से आने तक, और अभी तक ऑफिस की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल तो जाना ही पड़ेगा, शायद उसके बाद छुट्टी वुट्टी मिल जाए, लेकिन कल कल की दिक्कत आ सकती है मुझे। तो आज का खाने की व्यवस्था तो मुझे करनी ही पड़ेगी, आज के कल के और परसों के, दो दिन का लेके चलता हूँ, बाकी देखा जाएगा जो भी सिचुएशन होगी। तो हम वॉक करते करते घर से इतनी दूर आ चुके, बोरा घर है ना दक्षा? हमें पता भी नहीं चला। और हम 3 या 4 राउंड काटेंगे डेली शाम को, तो शादी तक। सर दक्षा तो कल चली जाएगी, बट मैं ईयरफोन्स लगा के अपना शादी तक थोड़ा फिट हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। सो बाल मैंने मेहंदी के धो लिए हैं और सुंदर सुंदर हो गए हैं बाल, और दक्षा भी बहुत सुंदर सुंदर बेबी लग रहा है। और अब हम वॉक पे जा रहे हैं क्योंकि आज मैगी खाई है, और वैसे भी मैं यहाँ के कोई वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी एक्सरसाइज, तो मैंने सोचा है मैं शाम को डेली थोड़ा बहुत वॉक पे जाऊँ रास्ते रास्ते। किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो? चढ़ो दम लगा के ऐसा, खुद से बड़े कपड़े, खुद से बड़ी चप्पलें। कोविड में ऑफिस का टाइम फिर से चेंज हो गया है, अब मुझे कल सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचना है। सुबह 8 बजे मतलब मुझे 6:30 बजे उठना पड़ेगा, और जैसे मेरी आदतें हैं मेरे को लगता नहीं है मेरे को 12-1 बजे से पहले नींद आएगी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करने वाला हूँ सोने की। कल 5 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद पता नहीं, थोड़ा दिन तो बचेगा मेरे पास। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऑफिस बंद क्यों नहीं कर देते, कोविड के इतने केसेस आ रहे हैं। आज हम करेंगे दीपक घर के इसाले मंदिर में, और जो कुएं के पास मंदिर होता है उसमें भी, दोनों में। तो इसमें घी डालेंगे और यहाँ भी दीपक करेंगे, वहाँ भी। चलो खोलो मुझे मंदिर में दीपक करके आना है बुद्धू राम। तुम क्यों मेरे पीछे हो, क्या चाहिए? भगो भगो। मोहल्ले में तो एकदम शांति है, पर गाड़ियां अभी भी चल रही हैं, पता नहीं कहां जाके आ रहे हैं ये लोग।